नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारी सी एक नेक लाइन बनाने का आसान सा तरीका, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया हुआ है डिजाइनिंग के लिए। और जो इस तरीके के कपड़े आते हैं, इनमें साइड में जो होता है ये बॉर्डर होता है, तो इस बॉर्डर को भी हमें यूज करना है डिजाइनिंग में और गोटे का काम करना है। बहुत ही प्यारी सी नेक लाइन बनानी सीखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिया है हमने फ्रंट, जिसमें हमें नेक लाइन तैयार करनी है, और ये ली है हमने बुकरम, जिसमें से हमें नेकलाइन की कटिंग करनी है। तो इसको हम डबल कर लेते हैं। जो हमें ब्रॉड लेंथ रखनी है यहाँ पे, वो रखेंगे 6.5 इंच, तो 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। जो डीप लेंथ रखनी है ये रखेंगे हम यहाँ पे 8 इंच तक। और सबसे पहले यहाँ पे सिंपल एक वी कट डालेंगे, इस तरीके से वी का निशान लगा लेंगे। अब जितना आपने वी रखना है, 2.5 इंच तक हम रखेंगे, उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप का निशान लगा लें। इसके बाद हमें बाहर की साइड यहाँ पे 1/4 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है, 1/4 इंच का। नीचे तक का जो डिजाइन बनाएंगे हम यहाँ पे 6 इंच तक बनाएंगे। निशान हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करते हैं। ये देखिए, बाहर की साइड का जो कपड़ा है हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक पीस लेना है इस तरीके का, जो मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में, और इसके ऊपर हम यहाँ पे रखेंगे इस नेक लाइन को ऐसे। अब आपने जितना भी तैयार ये पीस रखना है, इसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है, जितना भी आपने तैयार रखना है, जैसे हमें 10 इंच का रखना है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से 10 इंच का निशान लगा लेंगे। अब हमारी यहाँ पे ये नोक आती है इस पॉइंट पे, यहाँ से हमें इधर निशान लगाना है। यहाँ पे हम लगाएंगे सीधा निशान। इसके बाद हमारी जो डिजाइनिंग आएगी यहाँ पे, इस तरीके से हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे, इधर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से ये सीधा कर लेंगे। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग करनी है। तो ये देखिए, हमने कटिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं मशीन पे, यहाँ पे हमें बॉर्डर का और गोटे का काम कंप्लीट करते हुए डिजाइन को तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मशीन पे, और सबसे पहले हमें इस पीस के ऊपर करना है गोटे का काम। तो ये है हमारे पास गोटा, तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्रॉस में ऐसे आप निशान लगा लें, चाहे आप हल्का हल्का गैप करते हुए इस तरीके से ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्रॉस में लगाने हैं, ये गोटा है, तो निशान के ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे स्टिच। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गोटे का जो काम है ये कंप्लीट कर लिया है। अब इस पीस को हम इस तरीके से डबल करेंगे, यहाँ पे अच्छे से जहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट बनता हो वहाँ पे आप इसको ऐसे डबल करेंगे, और यहाँ पे हल्का हल्का ये एक्स्ट्रा जहाँ पे भी आपको मार्जिन लगता है, ये आप बिल्कुल इसको सही करेंगे।
नीचे भी सेंटर पॉइंट बनाना है और ऊपर भी हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेना है। इसके बाद हमें ये फ्रंट में करना है अटैच। तो ये फ्रंट के ऊपर हमने रख लिया है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम इस पैच को अटैच कर देंगे। तो ये देखिए पैच हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब हम रोंग साइड में यहाँ पे नेक लाइन को रखेंगे सेंटर पॉइंट में इस तरीके से, और बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगाएंगे और सेम इसको ऐसे पलटेंगे जैसे नॉर्मल गला हम पलटते हैं। बस हमें ध्यान रखना है हमें बाहर की साइड में पलटना होता है। तो बाहर की साइड हमने नेकलाइन पलट ली है। अब हम यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा ली है और नेक लाइन हो जाती है हमारी कंप्लीट। इसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लेंगे और इस तरीके से इस बॉर्डर को अटैच करेंगे। जहां जहां पे आपके यहाँ पे कॉर्नर बनते जाएंगे तो यहाँ पे आप नोक बनाते जाएंगे और इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे पूरी नेक लाइन के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ऊपर से लगा लिया है बॉर्डर और बॉर्डर के बाद हमने सेंटर में लगा दिए हैं 3 बटन जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पूरी नेक लाइन आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी है, जो हमने इस प्लेन कपड़े पे गोटा पट्टी के साथ में तैयार की है और बाहर की साइड हमने लगाया है बॉर्डर। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल सी एक नेक लाइन तैयार कर सकते हो जैसे मैंने आपको आइडिया दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।